अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुनीब और आज हम आरजीआईएस की जिस एक्सटेंशन पर काम करेंगे वो है मैपलिक्स। मैपलिक्स आरजीआईएस की एक एक्सटेंशन है जो कि हम यूज़ करते हैं मैप को लेबल करने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो अपना डाटा ऐड करवाएंगे आरजीआईएस सॉफ्टवेयर में। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जैसे ये डाटा हमारा ऐड हो जाएगा तो हम लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद नीचे लेबल इंजन दिया होगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड लेबल इंजन होगा, तो उसे हमने वहाँ पर हमने मैपलिक्स लेबल इंजन को सिलेक्ट करके ओके करवा देना है। एंड देन ये प्रोसेस करेगा और इसके बाद हमने लेबलिंग की जो है एक्सटेंशन है उसे ऊपर राइट क्लिक करके ऑन कर लेना है, तो हमारे पास एक टूल बार आ जाएगी मैपलिक्स की लेबलिंग के नेम से। तो वहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ पहला होगा वो है लेबल मैनेजमेंट, मीन के उसमें लेबल को हमने कैसे मैनेज करना है और इसके इस पर क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद लेबल मैनेजर ओपन हो जाएगा और इसमें जो फर्स्ट होगा वो हमारी जो लेयर्स में शो करवा रहा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगी, मीन के हमारे पास स्ट्रीट है तो स्ट्रीट में हमने लेबल करना है। तो यहाँ पर हम लेबल जो किया हुआ है उसका हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं और बाद में उसकी प्लेसमेंट वगैरह की प्रॉपर्टीज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं। और अब मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। और इसके बाद प्लेसमेंट जो है प्रॉपर्टीज़ में जाके पोजीशंस मीन के लेबल को हमने किस तरह से शो करवाना है, तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लिया शो करवाने के लिए। तो मैं ये सेकंड वाली चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसे अप्लाई कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि वो कलर चेंज हो गया, पहले वो ब्लैक में था तो अब वो किसी और कलर में शो करवा रहा है।